नताशा ने एक बार फिर से ठुकराया धवल का प्यार। जी हाँ दोस्तों, वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको पांड्या स्टोर का बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ट्विस्ट वाला देखने को मिलेगा। और वहीं आपको पांड्या स्टोर के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि धवल नताशा से पूछता है कि 2 दिन पहले तो तुम मेरे से सारे रिश्ते नाते तोड़ कर जाना चाहती थी, लेकिन अब तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वेल, तुम मेरे कमरे में अब तुम क्या कर रही हो? वेल, वैसे आपको पता होगा कि नताशा मेन रीजन नहीं बताना चाहती थी, यानी कि उसको किसी ने ब्लैकमेल करके यहाँ पर रुकने के लिए बोला है, लेकिन वो ये रीज़न बताना नहीं चाहती थी धवल को। और फाइनली नताशा ये बोलती है, यानी कि कोई कहानी बना लेती है, और वो कहानी ये होता है कि नताशा धवल को बोलती है कि तुम मेरे साथ हमेशा रहे हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से पूरा हमेशा मेरे साथ रहे हो। और फाइनली धवल ये चीज़ मान भी लेता है। लेकिन वहीं एक तरफ धवल नताशा को कहता है कि प्यार का क्या, तो वहीं नताशा बोलती है कि प्यार एक बार करके तो देख लिया, अब नहीं कर सकती मैं तुमसे। और फाइनली धवल वहाँ से चला जाता है, लेकिन चलने के बाद थोड़ी देर रुकता है वहाँ पे, और धवल सोचता है कि पहले तो इसने किया था ना, और फाइनली दोबारा भी हो जाएगा। वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको यही देखने को मिलेगा। वेल दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों में फिर से प्यार हो पाएगा या नहीं? तो आप अपना ओपिनियन जो करना कॉमेंट कर। और ऐसे ही पांड्या स्टोर के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। बाय।